भगवान श्री राम तो सबके आराध्य हैं, अब उसके बावजूद वो विरोध करे तो उनकी मानसिक दिवालियापन ही का होता है। और क्या ऐसे अवसर पर मैं अपने रक्त से, अपने समाज के तरफ से, पूर्वांचल के तरफ से धन्यवाद। देवेंद्र भैया जिंदाबाद, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, 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 कहीं नारा ये कहीं ना, जय श्री राम, जय श्री राम, ये कहीं नारा ये कहीं ना, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम बदाऊं, धानापुर जनपद चंदौली का निवासी हूं। मैं पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूं, विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूं 2007 में। मैं आज काशी के पावन घाट 80 पर उपस्थित हूं। बगल में तुलसी घाट है जहां से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, उसी घाट के बगल में उपस्थित हूँ। आज मैं मन के उद्गार व्यक्त करने के लिए आगामी 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रहा है उसी के सम्मान में मैं अपने मन को उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं अपने रक्त से 500 साल बाद यह काम होने जा रहा है, असंभव काम संभव होने जा रहा है। वहाँ 500 साल तक वहाँ के क्षत्रिय समाज के लोगों ने, सूर्यवंशी समाज के लोगों ने यह संकल्प लिया जब तक प्राण प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हमारे रामलला के नहीं होगी तब तक मैं पैर में जूता नहीं पहनूंगा, सर पर पगड़ी नहीं बांधूंगा, छाता नहीं लगाऊंगा। वह कार्य अब समाप्त होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों। ऐसे अवसर पर मैं अपने रक्त से, अपने समाज के तरफ से, पूर्वांचल के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद लिखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो तमाम लोग भी इसको विरोध कर रहे हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको देखते हुए क्या मतलब उन लोग के मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या क्या मानते हैं? और जो विरोध कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग, किसी भी दल में हो, किसी भी राजनीति हो, भगवान श्री राम तो सबके आराध्य हैं, अब उसके बावजूद वो विरोध करे तो उनकी मानसिक दिवालियापन ही का होता है और क्या का होता है। बड़े रूप से शंकराचार्य, अब उन शंकराचार्यों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो केवल सनातन धर्म के पक्ष की बात करूंगा। और जो काम होने जा रहा है, असंभव काम संभव होने जा रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के हाथों होने जा रहा है, मैं इस पर अपनी मन की बात लिखने के लिए आया हूं। वाराणसी के घाट 80 घाट पर उपस्थित हूँ। मैं माँ गंगा का सुगंध खाता हूँ कि आगामी आने वाले दिनों में ज्ञानवापी रूप जो कलंक लगा हुआ बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में, इसको भी समाप्त करके यह धब्बा हटाने का काम हम समाज के लोग करेंगे। यहाँ के साथ साथ काशी के बाद मथुरा में भी जो कलंक लगा है इस्लामिक शासकों द्वारा जो व्यवस्थित तोड़ के किया गया है, उसको भी हटाने का काम हम सभी लोग करने का काम करेंगे। माँ गंगा के तट पर सौगंध खा के मैं बात बोलता हूँ।